हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की ये क्लास थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि आज हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं और एप्लीकेशन को हमने तीन भाग में डिवाइड किया है। एक सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे उस एप्लीकेशन की और उसके बाद हम उस पर डिज़ाइन पे काम करेंगे। XD में उसका पूरा डिज़ाइन बनाएंगे, पूरा फ्लो बनाएंगे और उसके बाद हम उसको एनिमेट भी करके देखेंगे। तीन पार्ट होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको उसकी एक हिस्ट्री बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को मैं क्यों बनाना चाहता हूँ और कैसे इस एप्लीकेशन तक मैं पहुँचा। तो बेसिकली मैं गूगल प्ले स्टोर पर देख रहा था कुछ एप्लीकेशंस, तो मेरी निगाह इस वाली एप्लीकेशन पे पड़ी जिसका नाम है फ्रंट रॉ, और मैंने इसको डाउनलोड भी किया क्योंकि इसका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जिसने भी ये कॉन्सेप्ट सोचा है बहुत ही बढ़िया है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इसका कॉन्सेप्ट। बेसिकली इस एप्लीकेशन में क्या है कि अगर आपको कुछ भी चीज़ सीखनी है, न्यू स्किल सीखना है, जैसे आपको सिंगिंग सीखनी है, तो आपको किसी टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा प्रोफेशनल बंदे के पास जाओ। यानी कि सिंगिंग सीखनी है तो नेहा कक्कड़, और अगर आपको क्रिकेट सीखना है तो सुरेश रैना। तो यानी कि अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, सीधा प्रोफेशनल के पास जाओ, टीचर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जितना बढ़िया इस एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है उतना ही बढ़िया इसका UI भी है, यानी कि यूजर इंटरफेस भी बहुत मिनिमल है और बहुत ही सेंसिबल सा डिज़ाइन है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इसका कोई प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली एप्लीकेशन बहुत पसंद आई थी और मैंने इसको डाउनलोड भी किया है और इसको मैं आपको पूरी गो थ्रू करके भी दिखाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वीडियो तीन पार्ट में डिवाइडेड है और पहला पार्ट हमारा रहेगा कि हम एप्लीकेशन को पूरा गो थ्रू करके देखेंगे, उसको एक्सप्लोर करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसमें यूज हुई हैं, क्या यूज हुए हैं और क्या उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा जो हमारा रहेगा वो क्रिएशन पार्ट रहेगा, यानी कि हम XD में पूरी एप्लीकेशन को डिजाइन करके देखेंगे, सबके स्क्रीनशॉट लेंगे और पूरे प्रिंसिपल के साथ इसको हम डिजाइन करके देखेंगे और आप इसको मास्टर क्लास भी मान सकते हो। और थर्ड स्टेप में हम इसका बनाएंगे प्रोटोटाइप, यानी हम इसको पूरा एनिमेट करके देखेंगे। तो आज की जो क्लास है बहुत बड़ी इसको मैं बोलूंगा, क्योंकि अगर आपने क्लास देख ली तो आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, आप क्रिएट भी कर पाओगे डिज़ाइन और एनिमेशन भी कर पाओगे। लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें और की है, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, तीन पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है। तो तीनों में से अगर आपको लगता है कि कोई पार्ट स्किप करना है तो आप क्लिक करके पर्टिकुलर पार्ट भी देख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों पार्ट देखें जिससे सिक्वेंशली आपकी लर्निंग अच्छी हो। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उस पे हम देखेंगे कि क्या इस मोबाइल एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर हमने ये फ्रंट रॉ एप्लीकेशन खोल ली है और खोलते ही आप यहाँ पर देख सकते हो ये ऑनबोर्डिंग सबसे पहले आती है और एनिमेशन के साथ ये काम करती है। तो एक आजकल ट्रेंड भी है माइक्रो इंट्रैक्शंस का, तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से अप्लाई कर रखा है इन लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। ये ऑनबोर्डिंग है इनकी और ऑनबोर्डिंग के बाद जस्ट आपको लेट्स गेट स्टार्टेड करना होता है। इससे पहले मैंने एक क्लास बनाई थी फिट्स लॉ की, तो बहुत ही अच्छे से यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से स्पेस दिया है सो दैट मैं यहाँ पर क्लिक भी कर पाऊँ और टाइमली मैं अपना टारगेट अचीव कर पाऊँ। और यहाँ पर मुझे अब डालना है मोबाइल नंबर और यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ दी है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप क्या है, आपकी हेल्प करेगा बेसिकली ये, सो हेल्प के लिए इन्होंने एक सेक्शन दे दिया है व्हाट्सएप का। और यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि कंटिन्यू का बटन अभी ग्रे स्केल में है, जब तक मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं डालूंगा एक्टिवेट ये नहीं होगा। सो यहाँ पर मैं अपना नंबर डाल देता हूँ एंड नंबर पूरा डालते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पर्पल कलर में एक्टिवेट हो गया। तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल कराते हो और अगर वो फॉर्म फिल नहीं हुआ है तब तक आप उसको ग्रे स्केल में रख सकते हो। इसके बाद मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया है OTP ये मांग रहा है और ऑटो OTP इसने ले लिया और यहाँ पर हम लैंड हो चुके हैं अपने होम पेज पर। यानी कि अगर आपको म्यूज़िक सीखना है तो सीधा नेहा कक्कड़ से सीखेंगे और कॉमेडी सीखनी है तो बिस्वा कल्याण रथ से सीख सकते हैं। सो ऐसे ही काफ़ी सारे धुरंधर हैं यहाँ पे, आपको किसी टीचर के पास नहीं जाना है। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है और आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी मिनिमल है ये। तो अभी हम इसका कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं। तो टॉप पे आप देख सकते हो एक सिंपल लोगो इन्होंने दिया है और सर्च पे क्लिक करने के बाद सर्च फंक्शनैलिटी आती है। और जैसे मैंने सर्च पे क्लिक किया नीचे से आप देख सकते हो कि ये जो उसका डिफॉल्ट कीबोर्ड है ये भी एक्टिवेट हो गया और कहीं पे भी मैं क्लिक करूँगा ये चला जाएगा। फिर आता है बेल, यानी कि नोटिफिकेशंस, जो भी नोटिफिकेशंस हैं मेरे
इस तरीके से यहाँ पर सारे दिखते हैं। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन बार है ये मेरा स्टिकी है, याद रखिएगा स्टिकी, क्योंकि हम इन सब का प्रोटोटाइप भी बनाएंगे तो कीन ऑब्जर्वेशन के साथ ये हमें समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर एक साउंड का भी इन्होंने आइकन दिया है ऑन ऑफ का, यानी कि कोई वीडियो चल रही है साउंड को ऑफ और ऑन कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये सारे फैकल्टीज़ यहाँ पे दिखाई हैं, तो मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, सपोज मुझे सिंगिंग सीखनी है, क्लिक करते ही वो व्यू मेरा बड़ा हो गया और बैक जाने के लिए यहाँ पर क्रॉस भी इन्होंने दिया है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर शेयरिंग का आइकन है, यानी कि मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी। और यहाँ पे इन्होंने दिया है, इसको स्क्रॉलिंग में दिया है बेसिकली। सबसे पहले यहाँ पर वीडियो चल रही है और स्क्रॉलिंग जब मैं करूँगा तो यहाँ पर ये लर्न सिंगिंग नेहा कक्कड़ और ये प्राइज इन्होंने यहाँ पर दिया है बाय नाउ। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा सीटीए, तो सीटीए हमेशा आपको बड़े ही रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि यूज़र फ्रेंडली चीज़ें होती हैं। यहाँ पे फंक्शनैलिटी पे अगर मैं बात करूँ तो गिफ्ट दिस कोर्स, तो आप इस कोर्स को गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को। और यहाँ पर इसकी कुछ यूएसपी दिखाई हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं, कितनी वीडियोस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें इसमें दिखाई हैं। और बटन हमारा यहाँ पर स्टिकी हो जाता है, यहाँ पर कुछ टैबिनेशन भी, टैबिनेशन की क्लास मैंने ली हुई है तो वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हो ये। और टैब्स इस तरीके से यहाँ पर स्विच हो रहे हैं, तो यहाँ पे दो ही पेज की ये ट्रांजिशन है मेनली, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे तीन बटन आप देख सकते हो नीचे जो हमारे स्टिकी हैं, स्टिकी यानी फिक्स्ड हैं, ये कहीं पे भी स्क्रॉल नहीं हो रहे हैं। और कोर्सेज यहाँ पे सारे हम देख ही पा रहे हैं सारे कोर्सेज, और जो अपकमिंग है वो भी यहाँ पे कमिंग सून में दिख रहे हैं। फिर आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, इसको आप फेसबुक की तरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको इसमें कुछ डालना है, अपनी पोस्ट डालनी है, कुछ लिखना है, तो वो सब भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। और अगेन ये यहाँ पे कुछ कैटेगरी बनी हुई है, सो टैबिनेशन में सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखती हैं। तो ये सब हम डिज़ाइन करेंगे आज एक्सडी में, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो कि लाइक है, कमेंट है, शेयर है, तो ये बटन्स वगैरह भी सब हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसके अंदर। जितनी भी मिनिमल चीज़ें हैं जैसे छोटे छोटे माइक्रो इंट्रैक्शन हैं, ये सब आपको यहाँ पर देखने चाहिए। और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब आपको पता चलें कि कैसे वो वर्क कर रही हैं एक्चुअल सिनेरियो में। यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया, ऐड है ये, तो यहाँ पे मैंने ऐड करने के बाद अलाउ कर दिया और मैं अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डाल के कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, पोस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं फेसबुक पर करता हूँ। तो यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा। देन हमारा थर्ड लिंक है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है, बेसिक प्रोफाइल है और उसकी कुछ सेटिंग्स है, तो बहुत ही मिनिमल सा डिज़ाइन है, कुछ भी नहीं है। 3 पेज की ये पूरी एप्लीकेशन है, बट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे कॉन्सेप्ट लगा ये। और इसको अब हम डिज़ाइन भी करके देखेंगे, ऐसी स्क्रॉलिंग बिल्कुल और इसी तरीके के स्टिकी आइकन, पूरी गाइडलाइन के साथ अब हम इसको एक्सडी में डिज़ाइन भी करके देखेंगे। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा हो, क्योंकि अभी सिर्फ हमने इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने पेजेस हम बनाने वाले हैं, इन सबको अभी हम रियल टाइम ही बनाएंगे। पहले से मैंने इसमें कुछ भी नहीं बनाया है, तो जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी या नहीं आएंगी वो सब चीज़ यहीं पर डिफाइन होने वाली है। तो चलिए चलते हैं एक्सडी में और देखते हैं अपना सेकेंड स्टेप। वेलकम बैक, यहाँ पर मैंने एक्सडी ओपन कर लिया है और सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं एक मोबाइल का साइज़, आईफोन 12 प्रो मैक्स, ये वाला साइज़ अभी के लिए मैं ले लेता हूँ और इससे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोजेक्ट की। तो यहाँ पर ये वाला साइज़ आ चुका है, आर्टबोर्ड मेरा खुल चुका है और अब जो हमें सबसे पहले करना है वो ये है कि जितने भी स्क्रीनशॉट हमने लिए हैं वो सब हम यहाँ पर लेके आएंगे, थोड़ी सी प्लानिंग भी इसमें करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट उठा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें बनानी होंगी, सारी गाइडलाइंस अभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने इस फोल्डर में और जितने भी मेरे स्क्रीनशॉट्स हैं ये सब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ एक्सटी में। ये सारे आ चुके हैं और इसमें से फ़िलहाल के लिए मैं ये वाला स्क्रीनशॉट पहले ले लेता हूँ, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है 428 है आर्टबोर्ड की, इसकी विड्थ भी मैं 428 कर देता हूँ। ये लॉक हमारा लॉक ही होना चाहिए, अदरवाइज प्रोपोर्शनेट साइज़ नहीं आएगा। तो ये जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं सैमसंग के फ़ोन से लिए गए हैं, इसका रेजोल्यूशन भी आईफोन 12 जैसा ही है, तो इसीलिए यहाँ पर ये फिट आ चुका है। अब इसमें हमें जो गाइडलाइन पे काम करना है वो पहले देखते हैं। सबसे पहले हमें ये जो इसके टॉप नेविगेशंस हैं और बॉटम डिफ़ॉल्ट नेविगेशंस हैं इनको लेके आना है और हम एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ यूआई किट में और मटेरियल डिज़ाइन जो हमारी डिफ़ॉल्ट किट है पहले वो डाउनलोड कर सकते हैं हम, देखते हैं कितना लेवरेज हम उससे यहाँ पर ले पाएंगे।
तो मटेरियल डिज़ाइन की साइट पे इसने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया है, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये वाला फॉर XT। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया और अपने फोल्डर में रख लेते हैं इसको। यहाँ पे पूरा डाउनलोड हो गया, यहाँ से मैंने इसको अनजिप किया, इसको डिलीट करते हैं अभी के लिए, और यहाँ से मैं इसको खोल लेता हूँ। ये लाइट थीम और डार्क थीम दोनों हैं, सो हम लेते हैं अभी लाइट थीम। और ये सारे स्टैंडर्ड मटेरियल डिज़ाइन में जो होते हैं सब यहाँ पर खुल चुके हैं। अब हमें देखना है इसमें से हमारे लिए क्या क्या यूज़फुल है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ ये बॉटम नेविगेशन यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ सो दैट हम आगे की जो ट्रांजिशंस हैं उसमें इनको लगा पाएँ। और ये जो हमारे टॉप और बॉटम डिफ़ॉल्ट मेन्यूज़ हैं, इनका साइज़ अभी हम इनको ऐसे ही बना देते हैं, एक ब्लैंक स्टेट यहाँ पर छोड़ देते हैं रेफरेंस के लिए, जिससे कि यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन हमारा ओवरलैप ना करे। अभी इसको कोई भी कलर आप ले लो। और एक मैंने कर लिया है इसको नीचे कॉपी, तो ये भी हमारा डिफ़ॉल्ट मेन्यू है, तो डिफ़ॉल्ट मेन्यू के लिए भी हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इनकी आती हैं ऑनबोर्डिंग स्क्रीन, और उससे पहले स्प्लैश स्क्रीन पर सिंपल लोगो है और कुछ भी नहीं है। तो ऑनबोर्डिंग कैसे काम करती है, इसके लिए मैंने पहले भी एक क्लास बनाई हुई है, तो इसको हम पहले थोड़ा सा समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसका हम लोगो ही बना लेते हैं, बहुत ही बेसिक सा लोगो है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं इस पर भी हम। ये मैंने यहाँ पर एक राउंड लिया है और इसको मैंने कर दिया ब्लैक, या सेम कॉपी मैंने कलर किया है, प्रॉपर ब्लैक नहीं है ये। और इसके बाद यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं इस तरीके से, और उसकी आउटलाइन मैंने कर दी है नन, और इसी को मैंने कॉपी करके रोटेट कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर इसको मैंने ऐसे रख दिया। अब एक मुझे चाहिए स्क्वायर, तो स्क्वायर मैंने यहाँ पर बना दिया, और इन सब को मैंने कर दिया मर्ज हो चुके हैं। और इस पे मैंने कलर भी अप्लाई कर दिया था, ये वाइट है मेरा, तो ये लोगो क्विकली बन चुका है, ये इनका लोगो है। इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ यहाँ पर, और ये जो फॉन्ट है ये किस तरीके से लिखा है वो भी हम देखते हैं। फ्रंट रॉ, तो यहाँ पे मैंने इसको किया है सिर्फ टाइप अभी, और टाइप करने के बाद यहाँ से अपर केस कर लें, और फिलहाल के लिए मैं इसको करता हूँ प्रॉक्सिमा। प्रॉक्सिमा करने के बाद थोड़ा सा बोल्ड है ये फॉन्ट इस तरीके से, तो ये मैंने थोड़ा बोल्ड भी कर दिया। और इसके बाद जो इसके लेटर स्पेसिंग है वो भी हम थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी हुई है इसमें भी, और इसको इसके ऊपर ही रखते हैं। बिल्कुल फिट आया ये, शायद यही फॉन्ट है, आई डोंट नो, बट सिमिलर है, ठीक है। तो ये वाला कलर भी मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। इसको पूरे सेट को हम ग्रुप कर लेते हैं, ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है वेक्टर में, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये सारा फॉन्ट डालना है, तो अभी के लिए हम लॉरम इप्सम जो डमी टेक्स्ट होता है वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं लॉरम इप्सम डालूंगा, और जितना भी लॉरम इप्सम टेक्स्ट होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, आपको पैराग्राफ चाहिए कुछ भी चाहिए वो आप जनरेट ईजिली कर सकते हो। अभी के लिए सिंपल मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। फॉन्ट ट्रीटमेंट देखते हैं, प्रॉक्सिमा नोवा ही रखते हैं, और इसकी जो हमने लेटर स्पेसिंग खोली है उसको मैं कर देता हूँ 0, और यहाँ से इसको करते हैं रेगुलर। रेगुलर करने के बाद ये फॉन्ट कितना है, अप्रॉक्स 20 पिक्सल है, ठीक है, तो 20 पिक्सल ही अभी रखते हैं यहाँ से हम इसको, और इसको हम इस तरीके से कर देते हैं जैसे कि डमी टेक्स्ट है, तो अभी ऐसे ही रख सकते हैं इसको आप। ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, और इसको अगर हम बोल्ड भी करना चाहते हैं वो भी हम कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे किया है थोड़ा सा सेमी बोल्ड, सो दैट ये सिमिलर सा ही लगे, और फॉन्ट साइज 20 है, दैट इज़ आल्सो फाइन। इसके बाद जो बैनर चेंज होंगे उसके इंडिकेशन इस तरीके से दिखाए हैं, जो एक्टिव होगा वो डार्क ग्रे में होगा, और जो नॉर्मल स्टेट है वो लाइट ग्रे होगी। तो यहाँ पे इनको भी फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा डार्क ग्रे है, आई गेस यही वाला है, तो मैंने इन सब को पकड़ के थोड़ा सा लाइन भी कर दिया। ये भी हमारा हो गया है प्रॉपर। इसके बाद नीचे भी इन्होंने एक टेक्स्ट दिया है, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट ले आता हूँ। तो हमेशा एक जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है वो ये है, जो मेन हेडिंग होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, डार्क होती है, और थोड़ी सी बोल्ड होती है, सो दैट एम्फेसाइज ज़्यादा हो। उसके नीचे जो सब टेक्स्ट होता है उसको हम थोड़ा छोटा भी रख सकते हैं, इसे हम बोलते हैं फॉन्ट हायरार्की, ठीक है। जब भी आप कोई चीज़ बनाते हो तो फॉन्ट हायरार्की उसमें बहुत अच्छे से मेंटेन हो, जैसे इस वेबसाइट में भी, इस एप्लीकेशन में भी मेंटेन है। तो
तो यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया टेक्स्ट, ऑब्वियसली इससे छोटा ही होगा तो मैं इसको कर देता हूँ अभी 16 करने के बाद इसको कर देते हैं नॉर्मल, ठीक है। और इसका कलर ब्लैक था, इसको हम थोड़ा सा ग्रे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट, जिससे कि ज़्यादा एम्फेसाइज ना हो। तो अभी के लिए मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाला टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया और इसको मुझे चाहिए दो लाइन में, ये मैंने दो लाइन में टेक्स्ट भी अपना रख दिया। इसके बाद इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, इसके बाद है यहाँ पे ग्राफिक। जब आप इसको स्वाइप करोगे तो ये ग्राफिक भी चेंज होगा, लेकिन अलग से नहीं, वो एक पूरा ग्राफिक इन्होंने बनाया है और वो पूरा ग्राफिक पैरालैक्स इफेक्ट के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का हम यहाँ पे बनाएंगे, नॉट एग्जैक्टली पैरालैक्स क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं इस टूल की। तो यहाँ से इसके बाद हम ये ड्रॉ कर लेते हैं एक बैकग्राउंड, और इसका कलर भी मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। तो यही कलर इन्होंने यूज़ किया है ज़्यादातर, तो इसको मैं स्टाइल गाइड में डिफाइन भी कर देता हूँ, सो दैट जब भी मुझे चाहिए ये कलर तो मैं इसको पिक कर लूँगा। और एक कलर ये भी है, इसको भी मैंने स्टाइल गाइड में डिफाइन कर दिया, और दो ही कलर पे इन्होंने प्ले किया है, ठीक है। इसको मैं ले जाता हूँ थोड़ा सा बैक में, यहाँ से आप शॉर्ट कमांड देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बनाते हैं इसमें ये जो ग्राफिक है ये किस तरीके से होगा वो भी हम देखते हैं। ये फ़िलहाल के लिए मैं थोड़ा बाहर भी ला सकता हूँ, सो दैट हम बटन वगैरह अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लें। और बटन का साइज़ आप यहाँ पर देख सकते हो क्या है, ये सारे मेज़रमेंट इसमें हम देखने वाले हैं, बहुत डीप लेवल आप इसको देखो। हालांकि ये अभी हम जस्ट कॉपी कर रहे हैं इसको, लेकिन काफ़ी सारी गाइडलाइंस आपको इसमें पता चलने वाली हैं। और एग्जैक्टली मैं कॉपी इसलिए भी कर रहा हूँ जिससे कि कोई भी माइन्यूट चीज़ आपसे रहे नहीं, क्योंकि मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप इनिशियल लेवल पर हों तो चीज़ें हम समहाउ कॉपी ही करते हैं, ठीक है, हम उनको बना के देखते हैं सो दैट उसके बाद हम कुछ अपने भी आइडिएशन कर पाएँ। तो अभी वही वाला फेज़ है, अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप काफ़ी सारी चीज़ों को एग्जैक्टली बना के देखिए सो दैट आपको पता लगे कि उसमें साइजेस क्या क्या हैं, चीज़ें क्या क्या हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा ये 66 है, तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई भी, इसकी जो हाइट है 8 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं सो दैट डिफ्रेंशिएशन हो पाए, और अभी भी इसका कम है तो इसको आप कर सकते हो 8x8, तो ये हो गया आपका 64। तो ये परफेक्ट साइज़ है, जितने भी आप बटन लो 8 से डिवाइड हो और जितने भी कंपोनेंट हो, कोशिश करें 8 पिक्सल ग्रिड हम यहाँ पर फॉलो करके चलें सो दैट परफेक्शन आपके डिज़ाइन में रहे। इसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देता हूँ और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखते हैं क्या टेक्स्ट है यहाँ पर। सो अभी के लिए लॉरम ही हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें है अपर केस और जो फॉन्ट साइज़ है आप इसको 16 कर सकते हो, ज़्यादा बड़ा ना रखें क्योंकि बटन है और बटन प्रेस होगा तो उसका हिट एरिया तो ऑलरेडी बड़ा है ही। तो यहाँ पे मैंने ये बटन भी रख दिया। इसके बाद हमें ये एरो भी बनाना है, सो एरो बहुत ही सिंपल है, कई बार हमने इस चीज़ को भी बना के देखा है, अगेन हम इसको बना के देखते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर आर्टबोर्ड पे आते हैं और ये ग्रिड ओपन मैंने कर लिए हैं। इसके बाद क्या करना है, हमें एक एरो बनाना है। एरो बनाने के बाद इसको आप ले आओ अपने इस वाले बटन पर, और इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे मैंने इंक्रीज़ कर दिया, 3 कर दिया इसको क्योंकि बोल्ड है यार ये। और इसके बाद यहाँ पर एक पिक्सल की लाइन मैंने और रख दिया, दैट विल बी आल्सो इन 3, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इनको ग्रुप कर लिया और इक्वली अलाइन कर दिया। अलाइनमेंट इसलिए भी इसका गलत है क्योंकि ये एक फ्रेम में है, तो इसको पहले नॉर्मल टेक्स्ट में ले आते हैं और टेक्स्ट में लाने के बाद ये फालतू का जितना भी टेक्स्ट है हटा देते हैं। अब इसको हम इससे इक्वली अलाइन करते हैं, परफेक्टली अलाइंड है ये। अभी पूरा ग्रुप जो हमने बनाया है इसको कॉपी कर लिया मैंने, सॉरी कमांड जी ग्रुप कर लिया और अपने डिज़ाइन पर यहाँ पर लेके आ गया। यहाँ से अभी के लिए मैंने ग्रिड हटा दिए और इसकी जो ओपेसिटी हमने कम की थी उसको फुल कर देते हैं और ये जो हमने रेड किया था इसको वाइट कर देते हैं। यहाँ पे ये जो हमने कलर लिया है आउटलाइन का ये वही वाला है, तो यहाँ से अप्लाई एज बॉर्डर कर देते हैं और ये हमारा ब्लैक है, तो परफेक्टली बटन भी बन चुका है। और यहाँ पे इन्होंने फिट्स लॉ भी अप्लाई किया है, बड़ा बटन लिया है यार, तो आप भी कोशिश करें कि सीटी आपके इतने बड़े हों, ईजीली टैपेबल हों। अब यहाँ पर आपका ये जो ऑनबोर्डिंग की पहली स्क्रीन है वो रेडी हो गई है, यहाँ पे ग्राफिक की कमी है, तो ग्राफिक की भी कुछ स्ट्रैटेजी है वो कैसे बनेगी
वो भी अभी हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पर एक इस तरीके का ग्राफिक आप बना सकते हो, एक बट जस्ट फॉर आइडिया मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके का मैंने एक यहाँ पर वेव बना दिया बेसिकली, और इसका जो कलर है मैं कर देता हूँ ऑरेंज, ठीक है। इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं और इसे बैक पे ले जाते हैं। ये क्यों यहाँ पर रखा है ये भी आपको पता चल जाएगा, अभी के लिए ऐसी बना के छोड़ते हैं। और कुछ ग्राफिक अगर आपको रखने हो तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हो। अभी इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, और यहाँ पे हमें कुछ ग्राफिक या फोटोज़ वगैरह रखने हैं, आइकन वगैरह रखने हैं। तो आइकन के लिए मैंने कुछ बना रखा है इलस्ट्रेटर में, तो आइकन्स पहले यहाँ से ओपन कर लेते हैं, और कुछ रेलिवेंस होंगे तो वो आइकन भी हम यहाँ पर ले लेंगे। सपोज़ ये वाला आइकन मैं ले लेता हूँ अभी और यहाँ पर रख देता हूँ। इसको ही बड़ा कर देते हैं और इसका कलर थोड़ा सा या यही वाला कर लेते हैं। तो ये हमारी ऑनबोर्डिंग समहाउ बन गई है। और इस तरीके ग्राफिक्स जितने भी हैं, फ़ोटोज़ हैं, ग्राफिक हैं या ये इलस्ट्रेटर्स हैं, ये सब हम फ्री पिक वगैरह से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग या डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इनको मोल्ड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसको ऐसे छोड़ते हैं जस्ट फॉर आइडिया कि कैसे ये काम करेगा। इसको ऐसे ही मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, और इसके बाद मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ऑनबोर्डिंग है और हमें पता है कि ये 3 बार स्वाइप होगा और 3 स्क्रीन्स यहाँ पर बनने वाली हैं। तो जो दूसरी स्क्रीन है उसमें मैंने इसी ग्राफिक को थोड़ा सा इधर कर दिया, और इस वाले ग्राफिक को मैं थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ या अंदर भी, बट इसी का पार्ट रहेगा, बट डिलीट नहीं होगा ये, ठीक है। डिलीट नहीं करेंगे इसको, इसी का पार्ट रखेंगे। और यहाँ पर एक नया ग्राफिक और ऐड हो जाएगा। नया ग्राफिक क्या ले सकते हैं, हालांकि एडिट का बटन ही ले लेते हैं अभी। ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैंने यहाँ पर रख दिया, इसका कलर चेंज कर दिया। तो 2 ही स्क्रीन अभी हम बनाएंगे इसकी ऑनबोर्डिंग की, और एनिमेट भी करके देखेंगे। धीरे धीरे हम इसमें आगे भी बढ़ते चले जाएंगे, जो भी हैं सारी चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। अभी ऑनबोर्डिंग को ही हम एनिमेट कर लेते हैं, आपको अभी के भी पता चल जाएगा ये चीज़ें मैंने क्यों की हैं, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसको भी इसका पार्ट बनाएंगे, लेकिन अपफ्रंट नहीं रखेंगे, जिससे कि एनिमेशन में ये इधर से निकल के आए, क्योंकि उसमें भी आपने देखा होगा एनिमेशन हो रहा है, तो वही एनिमेशन हम चाहते हैं इसमें भी हो। अब मैं चाहता हूँ ये ड्रैग पे ये वाली स्क्रीन आए, तो मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप पे और इसको यहाँ पे मैंने कर दिया है ड्रैग, ऑटो एनिमेट और ईज इन आउट। अब इसका एक बार आउटपुट देखते हैं, ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपने भी उसमें देखा होगा, और सेम आउटपुट हमने भी यहाँ पर बनाया है। इसका पर्पस आप समझो कि एक ही स्क्रीन में एक जॉइंट ग्राफिक लगे और लगे कि ये चल रहा है यहाँ पर, और कुछ नई चीज़ ऐड नहीं हो रही है, ग्राफिक्स आ रहे हैं और जा रहे हैं एक ही स्क्रीन पर, एक पूरा सीन क्रिएट इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। तो इसी तरीके का यहाँ पर आप भी बना सकते हो। तो ये इसका प्रोटोटाइप हमने यहाँ पर बना दिया, और इसका हमने बैक यहाँ पर ड्रैग लगा दिया। तो अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, इस वाली स्क्रीन पर आ गया और यहाँ से ड्रैग करके इस वाली स्क्रीन पे आ गया, तो लेकिन पीछे का पूरा सीन चलता रहेगा, जैसे हम बोल रहे थे पैरालेक्स स्टाइल, तो कुछ उसी तरीके का है, राइट। तो यहाँ से हमने इसको भी अचीव कर लिया है, ये हमने बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या होगा वो भी हम यहाँ पे ट्रांजिशन बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ फाइल को। यहाँ पर हमने इस फाइल को रख दिया फ्रंट ड्रॉ, तो ऑनबोर्डिंग का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं हम, पूरी ऑनबोर्डिंग बना ली है, लोगो भी हमने इसका यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं, सारी स्क्रीन्स यहाँ पर मैंने लगा रखी हैं। सो अभी के लिए यहाँ से मैंने इस वाली स्क्रीन को हटा दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पे लेट्स स्टार्ट करता हूँ तो लॉगिन पे लेके जाता है, और लॉगिन पे मुझे क्या करना होता है, अपना फ़ोन नंबर देना होता है, लेकिन उससे पहले ग्रे स्केल में, और फ़ोन नंबर जैसे ही मैंने डाल दिया ये एक्टिव स्टेट में आ जाता है, और ये डिफ़ॉल्ट जो हमारा कीबोर्ड है वो आ जाता है। तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको किट में से भी ले सकते हो, ये डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स होते हैं, ठीक है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। ये ऑटोमेटिकली जब आप एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट सेक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। इसमें जो मटेरियल डिज़ाइन की हमने किट डाउनलोड किया उसका लेवरेज कैसे ले सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं।
सो यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम अपने आर्ट बोर्ड पर आ जाते हैं। एक और आर्ट बोर्ड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ। सिर्फ हेडर और फुटर अभी मैं इसको बोलूँगा, जो हमारे डिफ़ॉल्ट नेविगेशन है इसको ही लेके आऊँगा मैं सिर्फ। तो यहाँ पर जो हमने अभी कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया है, और पेस्ट करने के बाद इसको अनग्रुप कर लेते हैं और यहाँ पे आप इसको प्रोपोर्शनेटली शिफ्ट के साथ इंक्रीज़ कर लें, ठीक है। और इंक्रीज़ करने के बाद ये ऊपर की प्रॉपर्टी आप हटा सकते हो, क्योंकि ऊपर का हमने ये डिफ़ॉल्ट लिया हुआ है। और मैंने इसको इसके साथ जस्ट कोई भी स्पेस नहीं छोड़ा, जस्ट यहाँ पर रख दिया इसको। मैंने यहाँ पे इक्वली सेंटर कर दिया और जितने भी हमें चीज़ें रखनी है वो हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे ये आइकन बनाया था तो मैं इसी आइकन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा थिन है, तो बेसिकली पहले इसको हम थोड़ी सी इसकी जो लाइन है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको मैं करता हूँ 2 पिक्सल का, ठीक है। 2 पिक्सल का करने के बाद हम इसको यहीं पे रखेंगे सो दैट गाइडलाइन हम सेम ही फॉलो कर लें। यहाँ से मैंने इसको फ्लिप कर दिया, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं एंड इसका साइज़ सॉरी इसका कलर हम करते हैं वाइट। अब पेज टाइटल क्या दिया इन्होंने, लॉगिन। सेम फॉन्ट ही हम यूज़ कर रहे हैं एप्लीकेशन में जो होता है एंड्रॉयड में, रोबोटो 20 मीडियम, यहाँ की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हमने इसको लॉगिन सिर्फ वर्ड ही लिख दिया है। अब जो उसका ट्रीटमेंट है वो हमें एज इट इज़ अगर देना है तो यहाँ से कलर हम वही जो हमने ले रखा है वही कलर डाल दिया, अप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी वही कलर अप्लाई कर दिया। और ये जितने भी आइकन्स हैं अभी इसको नहीं हटाते हैं, पहले हम यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकन लेके आते हैं जो हमने बना रखा है। ये व्हाट्सएप का आइकन ऑलरेडी मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया हुआ है, यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट मैंने किया है अपने आर्ट बोर्ड पर और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इतना स्पेस हम दे देते हैं जितना स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत छोटा भी ना हो जाए, टैपेबल हो, तो एटलीस्ट 40x40 हम इसको रख लेते हैं। और अभी के लिए नीचे ले आया मैं इसको और ये सारे आइकन्स मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद इसको ऊपर लाके इक्वली अलाइन कर देते हैं। इसका जो कलर है वो वाइट है और इसमें नीचे 1 पिक्सल की लाइन तो नहीं कहेंगे, ड्रॉप शैडो है ये, तो ड्रॉप शैडो आप यहाँ से बना सकते हो और इसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। तो ये हमारा अपर सेक्शन बनके रेडी हो चुका है। इसके बाद क्या है, प्राइवेसी कंटेंट है, जो कि प्राइवेसी कंटेंट बहुत ही छोटे फॉन्ट में रखा जाता है। जब भी आपको कभी भी टर्म एंड कंडीशन प्राइवेसी फॉन्ट रखना हो तो उसका जो साइज़ है आप 13 रख सकते हो, 12 रख सकते हो। अभी के लिए मैंने इसको 13 कर दिया है। प्रॉक्सिमा नोवा या फिर एक ही फॉन्ट चलाते हैं, इसका जो रोबोटो है पूरा वही वाला फॉन्ट चलाते हैं। रोबोटो मैंने 13 कर दिया और इसको सेंटर करने के बाद थोड़ी सी इसकी जो लाइन हाइट है वो इनक्रीज़ कर लेते हैं। और कुछ चीज़ें इसमें लिंक भी हैं, तो लिंक पता कैसे चलेगा, या तो आप उसको कलर अलग से अलग कर दें या फिर अंडरलाइन कर दें। यहाँ से मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है सो दैट ये लगे कि हाँ इतना लिंक है। और जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ चीज़ें अंडरलाइंड हैं, यानी कि वो लिंक हैं। क्लिक करोगे तो डेडिकेटेड सेक्शन खुल जाएगा और जो हमारा बटन है अभी के लिए ग्रे स्केल है क्योंकि कुछ भी वैल्यू फील्ड नहीं है। और इसमें ये जो फील्ड यूज़ किया है इन्होंने वो मटेरियल टाइप है, यानी कि जो गूगल यूज़ करता है उसी तरीके का है। एक होता है बॉक्स, एक होता है लाइन, तो लाइन वाला यूज़ किया है। देखते हैं अगर हम इसमें मिलता है मटेरियल की गाइडलाइन में तो यहीं से हम इसको पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, यहाँ से मैं इसको एज इट इज़ ले लूँगा। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पहले वो देख लेते हैं। मुझे चाहिए यहाँ पे 9-1 और ये चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो फ़ोन वाला कुछ ऐसा है यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम यही वाला पिक कर सकते हैं। इसको मैंने अपने आर्ट बोर्ड पर रख दिया है, यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ और इसको करते हैं हम सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको अनलिंक करके अनग्रुप कर लेते हैं और ये जो आइकन है इसको डिलीट करते हैं। यहाँ पे एंटर योर मोबाइल नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर, ठीक है। इससे पहले इन्होंने दिया है 9-1, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया +9-1।
कंट्री कोड यहाँ पे हम दिखा सकते हैं और कंट्री का आइकन भी इन्होंने यहाँ पर दिखाया है। तो कंट्री का जो फ्लैग है वो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी के लिए हम इसको डमी आइकन रख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको इस तरीके से अलाइन कर लिया और यहाँ से जो हमारा गैप है 22 पिक्सल का ये चल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इतना ही मेंटेन करके चलें दोनों साइड से, सो दैट प्रॉपरली अलाइंड हो हर चीज़ और एक 8 पिक्सल ग्रिड से हर चीज़ वेरीफाइड हो। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे सारी जो स्क्वायर ग्रिड है 8 पिक्सल की है डिफ़ॉल्ट, बट आप इनको इंक्रीज़ भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, बट 8 पिक्सल आइडल ग्रिड होती है, आप उसको ही यूज़ कर लें। यहाँ पर ये हमने एक फ्लैग टाइप बना दिया है और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अभी, और कलर अभी कोई भी दे सकते हैं यहाँ पर। और ये जो टिक है ये मैंने यहाँ से हटा दिया। तो ये आपका यहाँ पर जो पूरा ग्रुपिंग है वो बन के रेडी हो चुकी है। अब इसका जो साइज़ है, लाइन का जो साइज़ है वो आप यहाँ पर इंक्रीज़ कर लें। यहाँ पे 25 आ रहा है तो 3 पिक्सल और इसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पर भी ये 22 हो गया, तो प्रॉपरली अलाइंड है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डालोगे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा स्पेस देते हैं जैसे इन्होंने यहाँ पर दिया है। टर्म एंड कंडीशन, इसके नीचे एक बटन है, तो बटन हमने ऑलरेडी बना रखा है, बस सिर्फ कलर से प्ले करना है, ज़्यादा हम उसमें चीज़ें चेंज नहीं करने वाले हैं। तो कलर हमने ग्रे ले लिया जो कि हमारा ग्रे स्केल में है। जब तक आप कोई भी वैल्यू नहीं डालोगे ये ग्रे स्केल में यानी डिसेबल मोड पर ही रहेगा। यहाँ से हम एरो हटा देते हैं और इसको करते हैं सेंटर। ये हमने वाइट दिया है यहाँ पर, ठीक है, इसको भी वाइट कर देते हैं। तो बटन भी हमारा बन के रेडी हो चुका है। इसके बाद ये हमारा प्रॉपरली रेडी है। इसके बाद जैसी कोई वैल्यू डालेगा तो वो भी स्टेट हमें ही बना के देनी होगी। और दिखाने के लिए आप ये भी दिखा सकते हो, जैसे कोई भी कीबोर्ड आप किट से उठा के यहाँ पर दिखा दो, सपोज़ वो इतना एरिया लेगा। अभी मैं जस्ट ये डमी बना देता हूँ और ये दोनों चीज़ें ऊपर ले जाता हूँ क्योंकि ये स्लाइड हो जाएंगी जैसे आपका कीबोर्ड ऐसे खुलेगा। ये कीबोर्ड आपका खुल गया, राइट, ये चीज़ें ऊपर आ गई और जैसे ऊपर आई हैं इनका एक कलर है तो वो मैं यहाँ पर प्ले कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी हम गाइडलाइन में ही ऐड कर लेते हैं तो इस तरीके का कुछ आउटपुट आ जाएगा। तो दोनों स्टेट आपने बना लिए हैं यहाँ पर, कैसे आपको फ़ोन नंबर डालना है। और जैसे आप फ़ोन नंबर डालोगे, सपोज़ यहाँ पे मैं कुछ भी एक नंबर डाल देता हूँ, ये नंबर डली हुई स्टेट हमने दिखा दी है क्योंकि हम यहाँ पर एक डिज़ाइन नहीं बना रहे, एक स्क्रीन नहीं बना रहे, यहाँ पे हम पूरा फ्लो बना रहे हैं, सो दैट जब आप डेवलपर को भी कोई चीज़ दोगे तो उसे पता रहेगा कौन सी स्टेज पर कौन सी चीज़ आएगी, अदरवाइज़ डिज़ाइन प्रॉपर नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ तक हमने ये चीज़ कवर कर ली है, ये OTP भी कवर हो चुका है। इसके बाद OTP आएगा। बेसिकली OTP में क्या होगा, यहाँ पे 4 बॉक्सेस होंगे और सेल्फ OTP भी ले लेगा, अदरवाइज आप मैनुअली भी डाल सकते हो। देन यू विल लैंड ऑन योर होम स्क्रीन। इसके बाद आप अपनी होम स्क्रीन पे आते हो। तो इसको मैंने एक बार और कॉपी कर लिया। यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट और ये जो डिफ़ॉल्ट मेन्यू वाला है इसको मैं दोबारा यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। और इसका जो साइज़ है वही करते हैं हम जो हमारे आर्टबोर्ड का साइज़ है 428। मैंने इसको कॉपी कर लिया और सारे पहले 428 के ही कर लेते हैं सो दैट हमें बार बार डिस्टर्बेंस ना हो। ये सारे 420 में हो चुके हैं यानी अपने आर्टबोर्ड के साइज़ में आ चुके हैं। इनको आप यहाँ पर भी रख के देख सकते हो, ठीक है। अब हमें चाहिए फ्रंट रॉ का लोगो जो हमने अभी बनाया है। वैक्टर में ही बना चुके हैं हम लोग इसको, तो एज इट इज़ मैं यहाँ पर इसको उठा के पेस्ट कर दूंगा और इसकी एक बार गाइडलाइन देख लेते हैं कितना स्पेस यहाँ पर छोड़ते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 30 पिक्सल लेके चल रहे हैं ये लोग। 30 पिक्सल आप यहाँ पर दोनों साइड से छोड़ सकते हो सो दैट आपका डिज़ाइन स्पेशियस लगे। बेसिकली आपको जो इसमें स्पेस छोड़ना होता है नॉर्मली वो आप 16 पिक्सल छोड़ सकते हो, 24 पिक्सल छोड़ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे 8 से डिविजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे 30 पिक्सल है ये, तो हम यहाँ पे 30 पिक्सल छोड़ देंगे। अब ये कुछ आइकन यहाँ पे इन्होंने दिए हैं, तो आइकन पहले यहाँ पे हम बना लेते हैं। आइकन बेसिकली मैंने इलस्ट्रेटर में बनाया बट यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। ये मैंने इसका कलर पिक कर लिया और इसको भी हम एक कलर बना देते हैं। यहाँ पे हमने गाइडलाइन में ऐड कर लिया। इसके बाद यहाँ पर एक और, ये सेम राउंड है बट इसका डार्क कलर है, तो ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों हमने यहाँ पर ग्रुप कर लिए हैं और इसको हम ले आते हैं बाहर, ठीक है। अब हमें पता है 30-30 पिक्सल दोनों साइड से छोड़ना है। ये बॉटम नेविगेशन इसके ऊपर आएगा जो हम अभी यहाँ पर लेके आए थे कुछ इस तरीके का, ठीक है।
तो ये भी अभी हम बना के देखने वाले हैं। इसमें सारी गाइडलाइंस आपको डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या फॉन्ट साइज आपको रखना चाहिए। 12 रखा हुआ है रोबोटो रेगुलर, और ये गूगल की गाइडलाइन से उठाया है, हमने नहीं बनाया है। तो सेम साइज़ आप ले सकते हो, सिर्फ अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्टेंट लेते हैं। अभी के लिए मैं यही वाला कॉन्टेंट लेके आता हूँ। अब कंटेंट में आप देखोगे थोड़ा बोल्ड है क्योंकि प्राइमरी है, सेकेंडरी आपका थोड़ा सा छोटा या फिर लाइट वेट में होता है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, और इसको हम करते हैं रेगुलर। तो दोनों ये हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, और यहाँ से मैं इनको टेक्स्ट बना देता हूँ, और फालतू का टेक्स्ट यहाँ से हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इसको सेंटर लाइन करना है तो बुरा ना लगे। तो यहाँ से भी मैंने इसका जो साइज़ है, जो फालतू टेक्स्ट है, वो हटा दिया है, और दोनों को सेंटर कर लेते हैं, और दोनों को कमांड जी करते हैं, फिर एक बार सेंटर कर देते हैं। तो सेंटर हो चुका है। थोड़ा स्पेशियस डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर देखोगे बड़ा नीट एंड क्लीन है, बहुत ही कम चीज़ें हैं लेकिन सॉलिड है। तो यही सारी चीज़ें हमें बनानी है। तो फॉन्ट साइज़ आप यहाँ पर देख रहे हो दोनों सेम ही हो गए हैं, तो यहाँ पर इसको मैं 22 पिक्सल कर देता हूँ, और उसको सेंटर करते हैं। अब अनग्रुप करके पहले सेंटर, देन ग्रुप, देन सेंटर। ठीक है, तो पूरा सेंटर हो चुका है ये। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनाना है, ये सारे इफेक्ट वगैरह बनाने हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें होंगी ये जब हम इनको बनाएंगे। तो पहले मैं आइकन लेके आ जाता हूँ, इनके आइकन लगा देते हैं यहाँ पर। ये आइकन था और ये आइकन था, दोनों आइकन मैंने पिक कर लिए, और सबसे पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अनग्रुप करके मैं इसको रखूँगा यहाँ पर, इसको आप पहले अनग्रुप कर लें। सॉरी, ये भी अनग्रुप हो गया, इसको ग्रुप कर लिया, और इसके साथ मैंने इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, ये जो हमारा सर्च का आइकन है इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, और इसको कर देंगे वाइट। और ये वाला जो कलर है इसको भी हम कर देंगे वाइट। तो लगभग सिमिलर सा ही आउटपुट हमने यहाँ पर बना दिया है। और इसके बाद अब हम बनाते हैं कार्ड। 30 30 पिक्सल हम दोनों का छोड़ेंगे। ठीक है, 30 यहाँ से छोड़ा है तो इसने ऑटोमेटिकली एक स्नैप दिखा दिया। यहाँ से 18 इसका रेडियस कर दो या 20 कर दो, दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। 20 कर देते हैं। और यहाँ पर एक आइकन है, बेसिकली इसमें आइडिया क्या है, इसमें वीडियो चलती है, आप इसको म्यूट अनम्यूट भी कर सकते हो। ठीक है, दो आइकन यहाँ पे बनेंगे, म्यूट का भी और अनम्यूट का भी, क्योंकि डेवलपर को अगर आपने एक आइकन दे दिया तो दूसरा आइकन वो अपने आप नहीं बना पाएंगे, तो आपको दोनों स्टेट दिखानी होंगी। यहाँ पर आप दोनों स्टेट दिखा सकते हो। अब यहाँ पर एक इमेज हमें देनी है। ठीक है, तो एक सिंगर की इमेज मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। तो ये वाली इमेज यहाँ से हम उठा लेते हैं, और डायरेक्टली मैं इस पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये इस तरीके से ये इमेज डायरेक्टली कॉपी, मैंने सिंपल ड्रैग किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया। आप सेव करके भी इसमें मास्क कर सकते हो। यहाँ पे अब हमें लेना है एक और बॉक्स, बेसिकली इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैंने कर दिया ब्लैक। ठीक है, ये हमारा बॉक्स ब्लैक है, और इसमें हम देंगे ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट हम दे सकते हैं। और ये वाला जो कलर है इसको हम करते हैं वाइट, और वाइट की जो ओपेसिटी है वो करते हैं डल, इसको या ब्लैक कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा ये। और इसको हम कर देते हैं फ्लिप इस तरीके से, इसकी ओवरऑल जो हमारी ओपेसिटी है वो भी इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं, सो दैट यहाँ पे हम टेक्स्ट इजीली लिख पाएँ। ओके, और यहाँ पे अगर आपको इसको करना है अपने अकॉर्डिंग सेट तो वो भी आप कर सकते हो। ओपेसिटी यहाँ पे इस तरीके से बढ़ जाएगी, तो सिमिलर काइंड ऑफ इफेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद ये कॉपी किया है लेकिन अभी बैक में है, तो कमांड शिफ्ट ब्रैकेट से अप ब्रैकेट से ले आओ इसको ऊपर, उसका कलर कर दो वाइट। तो यहाँ पे आपको सेम ट्रीटमेंट आप यूज़ कर सकते हो, या थोड़ा छोटा भी कर सकते हो पूरे ग्रुप को। यहाँ पे एक आइकन देना है, अभी के लिए मैं कोई भी आइकन यहाँ से ले लेता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ ये वाला आइकन, होम का आइकन अभी ले लेते हैं यहाँ पर, बट आपको लगाना है म्यूट अनम्यूट का भी। मैंने वो आइकन यहाँ पे नहीं बनाया, बट आप इसको अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, आप देखो इसमें दोनों तरफ से स्पेस बराबर हो, 28 है तो 28 की कोशिश करो आप। ठीक है, तो ये हमारा आइकन भी बन गया है। इसके बाद एक और आइकन आएगा, दो स्टेट आपको यहाँ पे बनानी होंगी।
एंड इसके बाद क्या है, हल्का सा एक ड्रॉप शेडो उन्होंने दी है, तो ड्रॉप शेडो के लिए क्या करना है, इसको ही आप एक बार कॉपी कर लें। एक नया तरीका है शेडो का, या तो आप मैनुअली इससे बना लें या फिर आप इस तरीके से बनाएं, जो भी हम बनाने वाले हैं। कमांड सी कमांड वी, इसको मैंने कॉपी कर लिया और सारे इफेक्ट हम अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको करते हैं सॉलिड और ब्लैक, ये हमने फुल कर दी ओपेसिटी, और इसको करते हैं ऑब्जेक्ट ब्लर। ठीक है, ऑब्जेक्ट ब्लर करने के बाद सबसे पीछे ले जाते हैं और इसका जो ब्लर है वो कम कर देते हैं और ओपेसिटी भी थोड़ी डाउन कर देते हैं। तो ये पूरा हमारा सेट बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने पूरा ग्रुप बना लिया। अब ग्रुप बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे जैसे आपकी पिक्चर चेंज होती रहेंगी, स्पेशलाइजेशन चेंज होता रहेगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी के लिए मैंने इसको रिपीट ग्रिड कर दिया और यहाँ से ये इस तरीके से कर दिया है, इसको बैक में कर देते हैं अभी। और अब हमें बनाना है ये वाला एक बार, बॉटम नेविगेशन, जो इस तरीके से ही होगा। ठीक है, इस पे रख के देखते हैं, सिमिलर सा ही है, ये साइज़ भी सिमिलर है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अनलिंक कर लेता हूँ सो दैट मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और सब चीज़ यहाँ से मैंने अनग्रुप कर ली है। फॉन्ट मुझे यहाँ से लेना है और ये पूरा साइज़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ओवरऑल साइज़ आप देख लो, क्योंकि विड्थ आप किस तरीके से सेट करोगे यहाँ पर वो भी देख लेते हैं। ओवरऑल जो विड्थ है वो है 428, इसको आप डिवाइड बाय 3 कर दो तो आपको एक साइज़ मिल गया। और यहाँ से आप इसको रिपीट कर देना जब आप यहाँ से सारी चीज़ें अपनी रख लो। तो इसकी जो हाइट है वो है 56, 56 कर दी मैंने यहाँ से हाइट, और 56 करने के बाद ये इससे मिल जाएगी, मतलब बॉटम पे बिल्कुल सेट हो जाएगी। ये पूरा सेट उठा के पहले ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ ले आते हैं। अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं तो दिखेगा नहीं है तो। और ये पूरा ग्रुप इसके ऊपर रख के सेंटर इक्वल हम कर देंगे इसको। अनग्रुप करने के बाद यहाँ से इसको आप करो सेंटर, सेंटर में ही है सो दैट आप कुछ भी टाइप करोगे वो सेंटर से ही टाइप होगा। तो इनके में क्या है, कोर्सेज, और यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं हम। और इसमें भी एक एक्स्ट्रा जो हमारा एलिमेंट था वो भी हमने डिलीट कर दिया। इसके बाद आइकन रिप्लेस करने हैं, और होम का आइकन मैं ऑलरेडी लेके आ ही चुका था, यहाँ से भी ले सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं दोबारा लेके आ जाता हूँ। कॉपी कर लिया और यहाँ से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर लाते हैं और इसको करते हैं डिलीट, इसको करते हैं सेंटर, इसके सेंटर पूरे बॉक्स के। और ये वाला जो कलर था इन्होंने शायद ये वाला किया हुआ है, नहीं पर्पल है, पर्पल ही हमने कर दिया। इसको दोनों ग्रुप कर लिया, इसको मैंने कर दिया वाइट। वाइट करने के बाद ये तीनों हमने पकड़ लिए और ग्रुप करके रिपीट ग्रिड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। और इसका जो स्पेस है वो 0 रखेंगे, और इसको हम कर देते हैं अनग्रुप। और यहाँ पे अपने आइकन हैं, जो भी हमारे आइकन हैं वो रिप्लेस कर देंगे ग्रे कलर में। और अभी के लिए मैं इनको ग्रे कलर कर देता हूँ, सो जो आइकन हमने बनाए हुए हैं वो रिप्लेस यहाँ पर हम ग्रे कलर में कर देंगे। और इसके बाद एक शेडो भी है इसमें, तो यहाँ से मैं इसको अभी अनग्रुप कर लेता हूँ और इसी की एक कॉपी बनाता हूँ, कमांड सी कमांड वी। और यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको स्प्रेड कर दिया और ब्लैक कर देते हैं, फिर अगेन ऑब्जेक्ट ब्लर, और थोड़ा सा बैक में ले आते हैं। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी डाउन कर देते हैं सो दैट ये स्मूथ लगे। तो इसी तरीके का आउटपुट ये बन चुका है। और अभी के लिए जैसे 1 पिक्सल की लाइन बीच में आ रही है, तो हमें सिर्फ ये अलाइनमेंट के लिए चाहिए थे बॉक्सेस, तो आप एक ही बॉक्स बना सकते हो उसको ये सारे। तो ये इसी तरीके से पूरा हमारा बन चुका है जैसा यहाँ पर था, तो प्रॉपरली हमने ये बना दिया है। इसके बाद ये एक गूगल का एक स्टिकी, इसे बोलते हैं फ्लोटिंग बटन। तो फ्लोटिंग बटन हमें क्या रखना है, व्हाट्सएप रखना है। व्हाट्सएप के लिए यही वाला आइकन दोबारा लेके आते हैं, जो हमने यहाँ से जो हमने इलस्ट्रेटर में बनाया है, इसको मैं दोबारा लेके आता हूँ यहाँ पर। और इसका साइज़ हम इंक्रीज कर लेते हैं, कितना, अप्रॉक्सीमेट 56 का तो कर ही लेते हैं इसको, या थोड़ा और इंक्रीज़ कर लेते हैं, और फैब आइकन रख देते हैं यहाँ पर। फैब
फैब आइकन क्या है, जब भी आप इसको एनिमेट करोगे तो ये आपका स्क्रॉलिंग में रहेगा, ठीक है। अब ये वाला जो हमने बनाया था इसको मैं अभी अनग्रुप कर लेता हूँ सो दैट हम इसको स्क्रॉल भी करा पाएँ। इसको ग्रुप करने के बाद मैंने क्या किया, ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये वाला आइकन वर्टिकल स्क्रॉल, इसको मैंने स्क्रॉलिंग में दे दिया। और ये स्क्रॉल कितने एरिया में होगा, इतने ही एरिया में होगा। और अब इसका देखते हैं प्रीव्यू, परफेक्टली परफेक्ट काम कर रहा है ये, इसी तरीके से एप्लीकेशन में भी था। और ये हमारा फ्लोटिंग एलिमेंट रहेगा। अब हमें ये देखना है ये कहाँ से कट रहा है, ठीक है, इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं ये इस तरीके से, बहुत ही नीट एंड क्लीन ये पूरी हमारी बन चुकी है। इसका भी एक सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप बन गया है। कम्युनिटी पे क्या होगा और प्रोफाइल पे क्या होगा वो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे नेम चेंज कर देते हैं सो दैट हमें कन्फ्यूज़न ना हो इसमें, कम्युनिटी एंड यहाँ पर है प्रोफाइल। और ये इन्होंने अपर केस में किया है तो आप भी इसको अपर केस में कर सकते हो। जो हमारा मेन होम पेज है वो बन के रेडी हो गया। अब जब भी आप किसी कोर्स पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, वो वाला जो हमारा थंबनेल है वो बड़ा हो जाता है, इस तरीके से सेट हो जाता है और नीचे पूरे कार्ड पूरी डिटेल आ जाती है उसकी। तो ये ट्रांजिशन भी अभी हम इसमें अभी बनाते हैं, तो इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद ये जितनी भी फालतू की चीज़ें अभी हैं इसको मैं हटा देता हूँ। इसको हम लेके आते हैं ऊपर, इसको अनग्रुप कर लेते हैं और यहाँ से ये सारा डिलीट हो जाएगा। और अनग्रुप करने के बाद ये इस तरीके से इफ़ेक्ट के साथ आएगा। तो इसका जो आइकन है वो भी डिलीट करते हैं और इसके ऊपर कोई टेक्स्ट है वो भी नहीं है तो वो भी हम हटा देते हैं। तो ये इस तरीके से पूरे में स्प्रेड हो जाएगा। और इसके बाद दो आइकन्स हैं वो भी हमें यहाँ पे लगाने हैं, तो दोनों आइकन यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद 30 का स्पेस हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 30 कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसको 30 छोड़ देंगे। इसका साइज़ हम रखते हैं 40x40, ओपेसिटी फुल रहेगी और यहाँ पे भी इसको 40x40। इसको अभी के लिए हम थोड़ा सा ब्लैक कर देते हैं और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये इसका जो टाइटल है वो एज इट इज़ आ जाएगा, जो हमने इनिशियल में दिया था यही वाला मैं डाल दूंगा इसमें। उसको हम सेंटर कर देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पर एक रेट इन्होंने दिया है प्राइस, अभी यहाँ पे व्हाट्सएप की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। नीचे इन्होंने यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन ऑलरेडी दिया है और जब आप इस पर टैप करके जाओगे तो ये जो नीचे आपके तीन नेविगेशन है ये भी हट जाएंगे सो दैट जब आप क्लोज करोगे तब आप बैक आओगे। और इसका जो साइज़ है वो अभी के लिए हम इस तरीके से इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसका जो व्यू पोर्ट है, व्यू पोर्ट आप इतना ही रखें 9:6 सो दैट इतने में ही स्क्रॉलिंग हो और नीचे आप पूरा डिज़ाइन कर लें। यहाँ पे प्राइजिंग है, प्राइजिंग इस तरीके से डाल सकते हैं और इसको हम करते हैं $200 और यहाँ से इसको इस तरीके से प्राइस हम काट सकते हैं और इसको हम करेंगे नॉर्मल ग्रे। और उसके आगे का आइकन जितना भी परसेंट ऑफ हुआ वो आप यहाँ पर एक कोई भी ग्राफिक बना सकते हो। इसके बाद हमने इसको कर दिया सेंटर एंड अगेन यहाँ पे एक कंटेंट है और यहाँ पर ये टाइमर चल रहा है तो टेक्स्ट के साथ ही हम एक टाइमर भी डाल देंगे। बट अगेन हमें यहाँ पे फॉलो करना है वही जो हम बात कर रहे थे टेक्स्ट हरार की। सो क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्राइमरी है, उसके हिसाब से छोटा बड़ा हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 22 है तो ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे हेडिंग वही है, कैरी फॉरवर्ड हो रही है और यहाँ पर जो फॉन्ट साइज़ है इसका वो आप इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इसको डिक्रीज़ भी कर सकते हो। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16 और यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइम 17:52 and 55। ये टाइम मैंने यहाँ पे डाल दिया, इसका कलर होगा पर्पल, पर्पल कलर कर दिया एंड दिस विल बी इन ग्रे जो नॉर्मल रनिंग टेक्स्ट है। इसको मैंने सेंटर किया। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बटन है एज इट इज़ उठा के लाते हैं और इसको करते हैं सेंटर 30:30 बिल्कुल परफेक्ट है ये। और इसके साथ ना एक आइकन भी दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे CTA इन्होंने फिर दोबारा बोल्ड कर दिया है तो यहाँ पे आप CTA बोल्ड भी कर सकते हो कि भैया बाय नाउ फॉर दिस प्राइस और बाय का आइकन भी इन्होंने यूज़ किया है तो वो आइकन भी हम एज इट इज़ लेके आते हैं। ये वाला आइकन मैं लेके आ चुका हूँ यहाँ पर, उसको करते हैं वाइट कर देते हैं और छोटा इस आइकन को हमें रखना है यहाँ पर
सो दैट ये इसी के लेवल में लगे। अब इन दोनों को पकड़ के कमांड जी और इसके साथ सेंटर कर देना है। तो ये हमारा परफेक्टली बटन भी बन गया है। इसके बाद नीचे हॉलो बटन इन्होंने बनाया है, वो कैसे है वो भी देखते हैं। इसको हम करते हैं बंद, क्योंकि इसके बाद की जर्नी अब हमें यहाँ से मिलेगी। तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बाद में लेके आ जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ती है तो। फिर मैं इसको ही कॉपी करके ले आऊँगा एक लॉजिकल स्पेस जो हमें छोड़ना है। कम से कम 16 छोड़ दें या 20 भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बाद मैंने इसको अनग्रुप कर दिया, और इसको सबसे पहले हमें रिवर्स कलर करना है, हॉलो बटन बनाना है। तो उसके लिए हमें इनको सेम कलर करना होगा। इसको सेम कलर कर दिया, और यहाँ से इसको हमने कर दिया वाइट, और इसकी जो आउटलाइन है वो हम कर देंगे इसी कलर की। तो हमारा हॉलो बटन भी रेडी हो चुका है। टेक्स्ट वगैरह हम सब रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये चार आइकन दिए हैं, और बहुत ही छोटे फॉन्ट में। देखो आप, टेक्स्ट हायरार्की यहाँ पे प्रॉपर फॉलो हो रही है, कि बड़े से शुरू हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब में डिफरेंशिएशन यहाँ पर अच्छे से किया हुआ है। और यहाँ से हम पहले आइकन उठा लेते हैं। आप देखोगे चार सेक्शन बने हुए हैं, चार बॉक्सेस, फोर ग्रिड पे काम किया है। तो ग्रिड भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, फोर ग्रिड, अदरवाइज हम बॉक्स ग्रिड पे भी हम काम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया, और इसको मैंने किया है 368 डिवाइड बाय 4, क्योंकि मुझे इतने एरिया में फोर बॉक्सेस चाहिए। इसके बाद मैं इसको रिपीट भी कर सकता हूँ, रिपीट, और यहाँ तक ही मैं रखूँगा इसको, और ज़ीरो का स्पेस रहेगा, एंड इसको मैंने कर दिया अनग्रुप, ठीक है। तो ये चार बॉक्सेस मेरे इक्वल इसी तरीके से आ चुके हैं। इसके बाद टेक्स्ट मैं लेके आऊँगा, इसको कर दूँगा 12, क्योंकि बहुत छोटा रखना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बहुत छोटा है। एक्सेस ऑल लेसन्स, यहाँ से आप इसको सेंटर कर लें, और टेक्स्ट को इस तरीके से आप हर जगह सेंटर कर दें, हर बॉक्स के साथ अलाइन कर दें। ये यहाँ पर हमारा अलाइन हो चुका है। और इसके बाद हमने कॉपी किया था ये वाला ग्राफिक, इसको मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, और इससे हम सेंटर कर देंगे। बट ये बहुत छोटा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो आप थोड़ा विजुअली भी इसको देखें, विजुअली भी ये ज़्यादा हैवी ना लगे, और स्पेशियस भी लगे, और बढ़िया भी ये लगे। तो और छोटा कर लेते हैं इसको, और मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, सेंटर, ये भी सेंटर हो जाएगा। तो ये सारा हमारा यहाँ पर अलाइन हो चुका है। इन बॉक्सेस को नीचे ले आते हैं, और ये हमारा इस तरीके से एक लॉजिकल स्पेस छोड़ देंगे, और इसको ले जाएंगे ऊपर। तो सिमिलर ही हमने यहाँ पे बना दिया है जैसे ये ऑलरेडी है, बट विद गाइडलाइन, स्पेशलाइजेशन के साथ हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मिसमैनेज नहीं है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं है, हर चीज़ परफेक्शन के साथ हम यहाँ पर कर रहे हैं। सी, ये पूरा का पूरा कॉपी है, कॉन्सेप्ट पूरा हम कॉपी कर रहे हैं, बट यहाँ से हम अपनी भी गाइडलाइन यहाँ पर मैच कर रहे हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक और सेक्शन ऐड किया है, जो हम यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं, और इसमें से अभी के लिए ग्राफिक और टेक्स्ट हटा देते हैं, और इसके एजेस बिल्कुल राउंड करके इसको इस तरीके से छोटा करके कलर अप्लाई कर देते हैं इसमें। एंड एक आइकन आएगा, एक यहाँ पर टेक्स्ट आप दे सकते हो बहुत ही छोटे फॉन्ट में, इसी वाले को आप फॉलो कर सकते हो। एंड इसका साइज़ आप कर दो वाइट, इसको आप रनिंग में स्प्रेड कर दो यहाँ पर, और सेंटर से आप इसको अलाइन कर सकते हो, इक्वली भी कर सकते हो। इसके बाद इन्होंने दिए हैं टैब्स, तो कोई भी टेक्स्ट आप ओपन, तो कोई भी टेक्स्ट यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, और इसी के अलाइनमेंट में रखते हैं। और यहाँ पे अब की बार रहेंगे तीन, हमने इन बॉक्सेस को किया था 4 डिवाइड, अब की बार हम एक बॉक्सेस ले लेते हैं, और इसको हम करते हैं 3 डिवाइड, 368 से 3 डिवाइड, और 3 डिवाइड करने के बाद इसको हम यहीं तक लेके आएंगे, यहीं तक, और इसके बीच की स्पेसिंग कर देंगे 0 एंड अनग्रुप, ठीक है। 4 वाला हटा देते हैं, अभी कोई काम नहीं है इसका। अब यहाँ पर आपको टैब बनाना है, ओवरव्यू, एंड यहाँ पर इसको अपर केस करना है, बट मेक श्योर कि 16-14 से ज़्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 14 ही रख सकते हो आप इसको, एंड 14 के बाद इसको आप बोल्ड कर दें, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको सेंटर कर सकते हो, अगर आपको ये सेंटर में रखना है, ये भी सेंटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन आप यहाँ पे प्रॉपर दे सकते हो नीचे, और इसको आप सेंटर में कर दो, और एक लाइन हमें लेनी है, लाइन भी ना लें या पूरा बॉक्स ही ले लेते हैं, और इसको हम कलर करते हैं अभी,
कोई और कलर, सो दैट ये सेलेक्टेड स्टेट दिखा दे और इन दोनों को हम ये इस तरीके से बना देते हैं। ये हमने कर दिया ग्रे, जैसा कि आप डिज़ाइन में भी देख रहे होंगे, और ये हमने येलो कर दिया, ठीक है। इसके जो बीच की स्पेसिंग है, टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग आप कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। ये हमारा सेलेक्टेड टैब है। इसके बाद सिंपल रनिंग में कंटेंट आ रहा है, तो कंटेंट भी हम एज इट इज़ यहाँ से लेके आ जाते हैं। ये वाला कंटेंट मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर स्प्रेड करा दिया। इसी को मैं दो तीन बार पेस्ट कर देता हूँ। बेसिकली ओवरव्यू है, और टैब चेंज करेंगे तो कुछ और भी इसकी चीज़ें दिख जाएंगी। तो यहाँ पर ये पूरा एक पेज है, राइट, इसको भी डिलीट कर देते हैं। हमारा पूरा बन चुका है, पूरा हमने डिज़ाइन कर लिया है इसको। इसके बाद अगर आपको कोर्स परचेज करना है, यानी कि इस पे ये परचेज का टैब बना हुआ था, और परचेज करने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा उसकी एक छोटी सी फ़ोटो और एक आइकन एंड प्राइस, और वही सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और इसके बाद पेमेंट के कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कम्युनिटी के टैब पे वही जो हमने टैब्स बनाए हैं, पाँच से आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे। अभी हमने जैसे चार से डिवाइड किया, तीन से डिवाइड किया, ऐसी पाँच बॉक्सेस डिवाइड करके आप यहाँ पर ये बना सकते हो। ये कलर अप्लाई कर दोगे एंड ये सारी चीज़ें बहुत इजीली आप बना सकते हो। इसके बाद इन्होंने लास्ट में एक प्रोफाइल दिया है। प्रोफाइल जैसे नॉर्मली होता ही है, आइकन के साथ टेक्स्ट है, और सेटिंग भी कुछ सिस्टम सेटिंग्स भी होती हैं, वो भी इन्होंने यहाँ पर बना के दिखाई हैं। तो आई गेस कि इनको हमें डिलीट कर देना चाहिए, और इतने में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। और इसको हम पूरा एनिमेट करके देखते हैं। अभी अभी हमने सिर्फ क्या किया था कि मैं इसको ऐसे ड्रैग कर पा रहा था और इसको ऐसे ड्रैग कर पा रहा था, लेकिन जब मैं स्टार्ट करूं तो मुझे ये वाली स्क्रीन भी दिखे, राइट। तो मैंने इसको इस वाले से कनेक्ट कर दिया है, और इसको भी, क्योंकि मैं किसी भी स्क्रीन पे जाके इस पर टैप कर सकता हूं। और जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो ड्रैग की जगह टैप कर देना है, क्योंकि ये टैप पे ही चाहिए होगा हमें, ठीक है। तो दोनों जगह से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ से आप इस तरीके से जा सकते हो। और यहाँ से हम बैक की भी ट्रांजिशन एक बना देते हैं, ऑटो एनिमेट ही रखेंगे इसको भी। अब ये आपने देखा होगा, एक टेक्स्ट यहाँ से नीचे उतर के आया है, राइट। तो इसकी नेमिंग कन्वेंशन अगर सेम होगी तो ये ऐसे रिएक्ट करेंगे, राइट। ये देखो, ये दोनों टेक्स्ट कैसे रिएक्ट कर रहे थे, ये नीचे उतर के आ रहा था ये वाला टेक्स्ट, क्योंकि इसके नेम सेम है। तो यहाँ से हम इनका जो नाम है वो भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैंने नाम चेंज कर दिया है, देन हाउ इट विल रिएक्ट, सिंपल, अब इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। यहाँ से आप इसको ड्रैग कर सकते हो, और यहाँ से आप इसको क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आ गए। यहाँ पे जैसे आप फ़ोन नंबर डालोगे, यानी कि कुछ भी आप इसमें डालोगे, तो डालने का सिनेरियो जो बनेगा वो यहीं बनेगा। मैंने टाइप किया एंड देन ही एक्टिवेट होगा। तो अभी इसको इससे ही कनेक्ट कर देते हैं। सपोज़ मैंने कुछ यहाँ पर डाल दिया है और टैब पर ऑटो एनिमेट करा दिया, और ये वाला जो मेरा बॉक्स है इसको मैं कॉपी करके इस वाले में भी रख दूंगा और इसको छोटा कर दूंगा, सो दैट ये छोटे से बड़ा होते हुए दिखे, राइट। कि जब भी मैं इस पे जाऊं ये इस तरीके से दिखे। सी दिस ट्रांजिशन, कि मैंने नंबर डाला और ये एक्टिवेट होके ऊपर आ गया, राइट। और इसको अगर आपने देखा होगा, इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इस वाले टेक्स्ट को देखना, इस वाले टेक्स्ट को, ये स्लाइड होके नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम चेंज हो चुका है, इसका और इसका नाम अलग हो चुका है। तो इसका जो नाम है डबल ए, वही मैंने इसका भी कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये स्लाइड होता हुआ जाएगा प्रॉपरली, स्मूथनेस के साथ जा रहा है। और बैक क्या रहेगा, जितने भी आप बैक पे करोगे तो -1 पे आप कनेक्ट करते चले जाओगे बैक को। अब यहाँ से मुझे बैक कहाँ ले जाना है, इस पर, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, OTP के बाद ये लैंड करेगा होम पेज पर। अब मैं होम पेज पर आ जाऊँगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से अब ये काम कर रहा है। ये परफेक्टली काम कर रहा है, और इस पर मैंने क्लिक किया, मैं आ गया होम पेज पे, यानी होम पेज मेरा रेंडर हो चुका है। तो पूरा एक प्रोटोटाइप आप बना के क्लाइंट को दिखा सकते हो कि आपकी जो ऑनबोर्डिंग है वो किस तरीके से चल रही है। तो एक सॉर्ट ऑफ मास्टर क्लास ही आप लोगों के लिए। इस पर आप क्लिक करोगे, OTP डालोगे, फ़ोन नंबर डालोगे, देन आपका जो ऑटोमेटिक जो आपका डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन आप क्लिक करोगे, देन आप होम पेज पे आ जाओगे, एंड देन यू कैन स्क्रॉल इट। कोई भी कोर्स आप स्क्रॉल करोगे, देन यू विल चूज़ एंड आप उस पर्टिकुलर पेज पर पहुंच जाओगे। तो कैसे चूज़ होगा वो भी हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अंदर जाऊँगा काफ़ी, और इससे इसको कनेक्ट कर दूँगा। कनेक्ट करने के बाद कैसा प्रीव्यू आता है देखते हैं।
ये मैं यहां पर आ चुका हूं, और क्लोज करने पे क्या होगा, बैक ट्रांजिशन बनेगी। तो ब्लैक, तो ये जो आइकन है इस पे हम बैक की ट्रांजिशन बना देते हैं, सो दैट हम क्लाइंट को दिखा पाएं कि भाई एग्जैक्टली हमने क्या बनाया। और क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा बड़ा हो चुका है, एंड यहां से आप शेयर कर सकते हो। तो शेयर पे जब क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, और ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कहीं पे भी आप इस कोर्स को शेयर कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो। एंड यहाँ से आप इसको लॉरम एप्सम जो ये लिखा हुआ है हमने, बेसिकली ये बाय नाउ है, तो बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो पेमेंट के ऑप्शंस भी आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर बैक पूरी एक ट्रांजिशन देखना चाहूँगा, एज ए क्लाइंट भी अगर मैं देखूँ, ये मेरी पूरी एप्लीकेशन बन चुकी है और अभी डेवलप नहीं हुई है, मुझे एक प्रोटोटाइप देखना है कि कैसे मेरी एप्लीकेशन चलेगी। तो डिज़ाइन हमने कर दिया, सारी गाइडलाइंस हमने देख ली, तो यहाँ पर मैं एग्जैक्टली दिखा पा रहा हूँ कि किस तरीके से एनिमेट होगी जब आपकी ऐप डेवलप होगी, ऑनबोर्डिंग, ठीक है। इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जब तक ये डिसेबल रहेगा, जब तक आप मोबाइल नंबर नहीं डालोगे, जैसे आपने मोबाइल नंबर डाला, ये इनेबल हो गया और आपका कीबोर्ड आ गया ऊपर, और इसके बाद आप रेंडर कर जाओगे अपना होम पेज। होम पेज पे आप सारे कोर्सेज ऐसे एक्सप्लोर करोगे, और उस पर क्लिक करने के बाद एक पर्टिकुलर पेज खुल जाएगा, एंड देन यू कैन क्लोज इट एज वेल। तो ये पूरा प्रोटोटाइप भी हमने बना दिया है, पूरा डिज़ाइन भी बना दिया है, जितना इंपॉर्टेंट डिज़ाइन था वो सब हमने इसमें कवर कर लिया है, एक सॉर्ट ऑफ पूरी एप्लीकेशन हमने इसमें बना के देख ली है। आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हो, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें सारी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।